हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ONGC के बारे में बात करेंगे और आने वाले दिनों में ONGC के अंदर क्या टारगेट्स बन सकते हैं, हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बात करें आज के चार्ट की, तो आज ओपनिंग होती है 99 रुपीज़ से और अभी तक में 5% की तेज़ी बनी हुई है। और ये 5% की तेज़ी इसलिए है क्योंकि कुछ देर पहले CLSA की रेटिंग आई थी और उसने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इस न्यूज की वजह से ही आज अचानक से ONGC में तेज़ी बढ़ गई है। चलिए मैं 3 टाइम फ्रेम के एनालिसिस कर लेता हूँ, डेली, मंथली और वीकली, जो बहुत ही ज़रूरी है ट्रेंड और मोमेंटम को समझने के लिए। और आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट लगाई, आप देखिए डेली चार्ट पे जो RSI की लेवल निकल कर आ रही है वो 63 की है, जो काफ़ी अच्छी स्ट्रांग मोमेंटम में है। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छी चार्ट पैटर्न बनती हुई दिख रही है। MACD की तरफ देखेंगे तो MACD पे भी एक बुलिश सिग्नल बनी हुई है। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो आप देखिए वीकली चार्ट पे RSI की जो लेवल आ रही है वो 63 की है और MACD की तरफ देखें तो बहुत ही अच्छी मोमेंटम दिखाई दे रही है बुलिश की तरफ। अगर मैं मंथली चार्ट पे चेक करूँ तो आप देखिए मंथली चार्ट पे भी RSI की लेवल जो है वो 47 निकल कर आती है और अगर MACD की तरफ देखेंगे तो बुलिश सिग्नल बनी हुई है मंथली चार्ट पे भी। तो मैंने आपको डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताया किस तरह से तीनों के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश मोमेंटम बनी है ONGC के अंदर। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ये डेली चार्ट पे ये जो लेवल है 86 और 90 के लेवल है, आप देखिए इस लेवल पे कितनी स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम बनी है। और आप देखेंगे यहाँ पे 3 बार इस लेवल से बाउंस बैक हुई है ONGC में और बहुत ही अच्छी रिटर्न बनी यहाँ पे। आप देखिए दिसंबर के महीने में 2 बार इस लेवल पे आने के बाद बाउंस बैक दी है और फिर जनवरी के अंदर भी इस लेवल पे आई, 86 और 90 की जो लेवल है इस लेवल में आई और फिर यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिला ONGC के अंदर। और अभी जो करेंट सिचुएशन है वहाँ पे 107 की जो लेवल है वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन बनी है ONGC के लिए और मुझे लगता है अभी के जो प्राइस है वहाँ से ONGC 107 पर तो जाएगा बट वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है रिवर्सल आ जाए। और अगर वहाँ से जाने के बाद रिवर्सल नहीं आती है और 107.70 की जो लेवल है अगर वो ब्रेक कर देती है तो फिर वहाँ से 111 की टारगेट बनेगी। और आप ये भी देखिए जो मैंने एक जोन बनाई है 85-90 रुपीज़ के, जो ये जोन है ये बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट जोन है और इस जोन में बार बार यहाँ से बाउंस बैक दिखाई है ONGC। तो अगर आपको PSU में इन्वेस्ट करना है तो PSU में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो PSU के स्टॉक्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम आपको या तो डाउन ट्रेंड में मिलेंगे या फिर साइडवेज में मिलेंगे और उनकी जो एवरेज मूविंग स्पीड है, जो इसे हम ATR बोलते हैं, एवरेज टू रेंज, वो बहुत ही कम रहती है PSU स्टॉक्स की। तो मैं सारे PSU स्टॉक के बात नहीं बोल रहा बट मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं उनके एवरेज आप देख लोगे ना तो बहुत कम मूवमेंट देती है। मतलब अगर आप ये सोच लो अगर आप PSU स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे 6 साल या फिर 10 साल तक छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी भी गलती से भी अगर ऊपर के लेवल पे PSU को आप बाय कर लिए ना तो फिर 10 साल आपका कहीं नहीं जा रहा। और आप ONGC की ही चार्ट देख लो ना, 2014 में 300 रुपये की प्राइस लेवल थी और उसके बाद से ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रही है 6 साल तक। तो मतलब कोई रिटर्न नहीं बना 2014 से अब तक में। और इसलिए मैं कभी भी PSU स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं देता क्योंकि वॉलेटाइलिटी नहीं होती इसके अंदर और फिक्स रेंज में ही ये ऊपर नीचे घूमते रहती है। तो इसमें पैसे लगाने से अच्छा आप कहीं और लगा लो जहाँ पे मूवमेंट होती है, क्योंकि पैसा वहीं बनेगा या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, साइडवेज की जगह पे आप पैसा नहीं बना सकते। तो इस बात को सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना PSU में। और अगर आप ONGC को किसी भी अदर गैसियस स्टॉक से कंपेयर कर लो, गुजरात गैस से कर लो, पेट्रोनेट LNG से कर लो, IGL से कर लो, तो आप इन सबका ATR का मूवमेंट देखोगे ना तो बहुत अच्छी मूवमेंट है। लेकिन अगर आप PSU सेक्टर के मूवमेंट को देखो, गेल को देखो, आप ONGC को देख लो, तो इसके मूवमेंट बहुत कम है। और एक और बात समझो आप, ये वीकली चार्ट आपके सामने मैंने लगाई है,
ONGC के अंदर पिछले 6 साल से लोअर लो बनती जा रही है, हर बार अपनी लो को ब्रेक करता है। लेकिन अगर आप मार्च के बाद देखोगे तो ये एक पहली साइकिल है जहां पे ONGC के अंदर एक हायर हाई बनी है, लेकिन इस हायर हाई पे इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप ये समझ लो कि ट्रेंड अब चेंज हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अभी ट्रेंड चेंज हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि टारगेट जो है वो 111 की नहीं जाएगी या फिर 107 रुपये की नहीं जाएगी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो अभी भी मुझे पॉजिटिव नहीं दिखाई देती है। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि PSU स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप बिल्कुल भी एंट्री मत लीजिए PSU स्टॉक में। क्योंकि आप पूरे हिस्टोरिकल चार्ट को उठा कर देख लीजिए, कोई भी PSU स्टॉक लॉन्ग टर्म तक ट्रेंडिंग नहीं रहा। तो पैसे वहाँ पर लगाइए जहाँ से पैसे वापस रिटर्न में कुछ बनकर आए। तो अब आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि गेल और ONGC में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के बिजनेस सिनारियो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप बिजनेस सिनारियो समझते नहीं हो, आप किसी भी न्यूज पे या फिर किसी का बताए गए लेवल्स पे आप बाय कर लेते हो और बाद में फंस जाते हो। इसलिए मुझे गेल और ONGC का बिजनेस स्ट्रेटजी आपको बताना मुझे सही लगता है और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, गेल जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मतलब गेल जो है पाइपलाइन के थ्रू हर सिटी, हर मोहल्ले और हर टाउन के तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट करता है नेचुरल गैस को। ONGC जो है वो एक्सप्लोरेशन की कंपनी है, वो प्रोडक्शन करती है, वो गैस का एक्सप्लोरेशन करती है, वो गैस का प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन करने के बाद गैस का सेलिंग करती है। गेल इंडिया जो है वो ONGC से बाय करता है और फिर बाय करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है। आपने देखा होगा कई जगह पे आपको स्ट्रीट पे गेल की पाइपलाइन का स्ट्रक्चर लिखा होगा, कितना डिस्टेंस और कितने किलोमीटर वगैरह, आपने देखा होगा कई जगह बोर्ड लगा होता है। तो गेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, गेल डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो मुझे लगता है अब आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है। और अब मैं अगर बात करूं कि ONGC में और पूरे गैस के सेक्टर में तेजी क्यों है, तो अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो बजट में पूरे गैस नेटवर्क को एक्सपेंड करने की बात कही गई है। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, पूरे भारत में अगर गैस के नेटवर्क को एक्सपेंड करनी है तो पाइपलाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी। और आपने ये भी देखा था न्यूज़ में कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही सारे पैसे दिए गए हैं इस बजट में। तो अगर गैस के डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर सरकार इतना पैसा क्यों लगा रही है, इसका कुछ तो रीज़न होगा ना। क्यों गेल इंडिया में कुछ दिन से आपने देखा होगा कि गजब की तेजी दिखाई दी है। जो गेल इंडिया 80-90 रुपये पे सालों साल से साइडवेज रह रहा था और अभी सिर्फ कुछ महीनों में ये 130 रुपये के ऊपर चला गया। और गेल के अंदर तेजी होने का रीज़न यही है कि गेल के क्योंकि गैस का डिमांड बढ़ने वाली है, गैस की डिमांड बढ़ेगी तो गेल भी पैसे कमाएगा। अगर गैस की डिमांड बढ़ेगी तो गेल को आगे आना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसे पाइपलाइन डालनी पड़ेगी हर सिटी में, हर मोहल्ले में गैस को पहुंचाने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ज़रूरी है जो गेल करेगा, और गैस की डिमांड बढ़ेगी तो एक्सप्लोरेशन करनी होगी, प्रोडक्शन करनी होगी, इसके लिए ONGC आएगा सबसे आगे। तो अगर इंडिया क्लीन एनर्जी को यूज करेगा तो आप 100% इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो सकते, उसमें गैस की भी कंट्रीब्यूशन होने वाली है और गैस की कंट्रीब्यूशन 10% से ऊपर होने वाली है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और यही वजह है कि आप देखोगे तो पूरे गैस के सेक्टर में धीरे धीरे तेजी बढ़ती जा रही है। और ये तेजी आपको अभी महसूस नहीं होगी, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर में देखोगे और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि गैस सेक्टर में ये किस तरह की तेजी आई थी। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको नहीं पता चलेगा, अभी आप गैस के सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो और इसे 2 या 3 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो फिर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और आप ये खुद देखो, ये PTI की न्यूज है जहाँ पे गेल के डायरेक्टर ने यह बताया था कि इंडिया टू सी नेचुरल गैस शेयर
राइज टू 10% बाय 2025। तो भाई ये शेयर स्टॉक मार्केट के शेयर नहीं, मतलब पूरे होल सेक्टर की शेयर, ये पूरे इंडिया में जो गैस की जो कंट्रीब्यूशन है ऑल ओवर 100% में, तो उसमें 10% का हिस्सेदारी हो जाएगा गैस पे, नेचुरल गैस पे। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी की प्रेजेंट की जो कंडीशन है, मुझे लगता है वो 5 to 6% की कंट्रीब्यूशन होगी अभी। और अभी सबकी नज़र जो है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, जहाँ पे ONGC भी वर्क कर रही है और जहाँ पे ही रिलायंस भी वर्क कर रही है, तो यहाँ से जो गैस के आउटपुट आने वाली है 2025 में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बनेगी इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए नेचुरल गैस पे। इस बात पे नज़र रखिएगा अगर आप ONGC पे इन्वेस्ट किए हैं तो, क्योंकि पूरे इंडिया में अभी ये जो लोकेशन है जहाँ से सबसे ज़्यादा गैस की आउटपुट आने वाली है। और मैं कुछ अपने ट्रेडर्स को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो लोग यूट्यूब पे वीडियो को देखकर इंट्राडे के लेवल्स लेते हैं, तो जो ये वीडियो पे इंट्राडे के जो लेवल्स दे रहे हैं यूट्यूब पे, वो आपको 4 स्टॉक्स देते हैं, 5 स्टॉक्स देते हैं, जिसमें से 3 स्टॉक तो लॉस देते हैं आपको, और 1-2 स्टॉक भी चल जाते हैं किसी तरह से, वो भी 1% देते हैं या नहीं देते हैं वो भी भगवान के भरोसे होते हैं। और आप लोग जो हो उनके लेवल्स पे बाय कर लेते हो, सेल कर लेते हो, और बाद में जब नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर आप फंस जाते हो। तो जो यूट्यूब पे जो तो इस तरह के लेवल्स पे बाय करना या सेल करना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आप 10 दिन प्रॉफिट करोगे, 20 दिन लॉस करोगे। PL जो बनेगा या तो वो नेगेटिव में बनेगा, या फिर अगर पॉजिटिव भी होगा तो ब्रोकरेज और टैक्सेस आपको माइनस करके 0 पे लाकर खड़ा कर देंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हो तो थोड़ा नीचे के लेवल पे लो। अगर मैं थोड़ी गाइडलाइन दूँ तो आप RSI के लेवल को चेक करो। अगर RSI 70 के ऊपर है, 80 के ऊपर है, तो उस टाइम पे उस प्राइस लेवल पे एंट्री मत लो। RSI को 50 तक आने दो, 50 के बाद आप एंट्री ले लो तो वो थोड़ा सेफ रहेगा, और उसे होल्ड करो आप। 1 डे की सप्लाई एंड डिमांड को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये गैम्बलिंग की तरह है। अगर अगर टारगेट हिट हो गया तो लकी हो, और अगर नहीं हिट हुआ तो फिर लॉस बुक करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप इंट्राडे में हेल्पलेस हो जाते हो, आप कुछ कर नहीं सकते। जितना पैसा नहीं होता है उसका 4 टाइम्स आप मार्जिन लेकर स्टॉक बाय कर लेते हो। तो लोग गलतियों से ही सीखते हैं, मैंने भी सीखा, और मैं अपने वीडियो में इस तरह की बातें हमेशा बताता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये लेवल्स कुछ भी वर्क नहीं करते स्टॉक मार्केट में। जब सप्लाई और डिमांड की बात आ जाती है, जब किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ती है, तो कोई रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता, सब टूट जाता है। और कोई नेगेटिव न्यूज आती है ना, तो कोई सपोर्ट वर्क नहीं करता, सबके सब टूट जाते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर बार वर्क नहीं करता है। तो ये जो ब्रेकआउट बोलते हैं ना कि इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट आ जाएगा, बाय कर लो, या इंट्राडे के लेवल पे कौन सा ब्रेकआउट होता है इतना जल्दी, भाई ब्रेकआउट का गेम भी नहीं पता इनको, ये ब्रेकआउट की थ्योरी बताते हैं। मेरा काम है आप लोगों को बताना, बाकी आप लोगों की मर्जी। आपको इंट्राडे करना है आप करो, लेवल्स तो मिलते रहते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, लेकिन अगर लॉस होता है तो भाई लॉस देखकर संभल जाना, अपने पैसों को वेस्ट मत करो, वो पैसे को इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट का मतलब आप पोजीशन ले लो यार, 1 वीक और 2 वीक में आपको प्रॉफिट मिल जाती है, कोई लॉन्ग टर्म की बात नहीं बता रहा मैं। तो यही वजह है कि अभी पूरे गैस के सेक्टर में तेजी दिखाई दे रही है आपको। आप गुजरात गैस देख लो, उसमें भी गजब की तेजी दिखाई दे रही है। तो अभी आपको अगर नज़र रखनी है तो आप गैसोलीन सेक्टर में बिल्कुल ही नज़र रखो। अगर मैं कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करूं तो आप यहां पे देखिए 85% बाय के बाद बता रहे हैं और 15% सेल के बाद बता रहे हैं। इसका मतलब मेजोरिटी की जो थिंकिंग है, मेजोरिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं मार्केट में, वो बुलिश हैं, और उनका लगता है कि अभी और मार्केट ऊपर जा सकती है गैस के सेक्टर में, और आपको भी अभी बुलिश ही रहना चाहिए। अगर कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इंट्राडे कॉल्स दे रहे हैं शॉर्ट करने के लिए गैसोलीन सेक्टर में, तो आप प्लीज़ शॉर्ट मत करना। अगर ONGC पे मैं वॉल्यूम के एनालिसिस करूं, अगर मैं वॉल्यूम और प्राइस के एनालिसिस करूं, तो आप देख लीजिए चार्ट के प्राइस, तो आज के चार्ट पे आपको वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग दिखाई दे रही है और प्राइस भी इंक्रीजिंग दिखाई दे रही है।
और आज के वॉल्यूम को अगर कंपेयर करें तो पिछले 1 वीक और पिछले 1 मंथ से बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आई थी आज। तो इसका मतलब यह है कि अभी हो सकता है चार्ट पे आपको और भी प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकती है। जो मैंने टारगेट बताई है आपको 107 और 111 की, क्योंकि वॉल्यूम और प्राइस दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं ब्रोकरेज हाउस की बात करूं तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने 124 रुपये के टारगेट प्राइस दी थी, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई थी वो अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट है, उस टाइम ये टारगेट मिला था, लेकिन ये टारगेट तो मुझे नहीं लगता अभी पूरा हो पाएगा। लेकिन मार्केट में तेज़ी है, मार्केट मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हो सकता है मार्केट 124 से ऊपर भी चली जाए। और चलिए मैं आपको जल्दी से NIFTY 50 की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। आप देख लीजिए NIFTY 50 के अंदर जो निफ्टी 15,600 की जो लेवल है बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है, आप प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। इस जोन के आसपास में बिल्कुल भी कॉल का ऑप्शन मत लीजिएगा और ना ही कोई न्यू पोजीशन बनाइएगा। और मैंने ये चार्ट टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे दिया था, और आप अगर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से तो आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे कुछ न्यूज़ अपडेट मैं बता देता हूँ। तो अगर आपको ONGC में पोजीशन बनानी है, फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो 104 के ऊपर में बाई कीजिएगा। कैंडल बुलिश होना चाहिए ये समझ लीजिएगा, और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न और एंट्री लेन में प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। टारगेट जो होगा 17.50 का होगा और उसके बाद 111 का होगा। सपोर्ट जो है वो 98 रुपीज़ का है, और उसके बाद नीचे सपोर्ट जोन है 85 से 90 रुपीज़ की। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अलर्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिल जाता है। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो बिल्कुल भी मत जुड़िए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, अगर यूट्यूब पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए, यूट्यूब के वीडियो आते रहेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।